राजस्थान के करौली में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। समय पर उपचार नहीं मिलने से एक गर्भवती महिला की जान चली गई। दरअसल 15 घंटे से महिला को प्रसव पीड़ा हो रही थी, जिसके चलते उसे कोई भी वाहन नहीं मिला। जब कोई वाहन नहीं मिला तो परिजन ट्रैक्टर पर बैठाकर महिला को करणपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही, लेकिन महिला की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें करौली रेफर कर दिया गया। महिला को अस्पताल रेफर करने के बाद एम्बुलेंस की सुविधा नहीं दी गई। परिजन उसे निजी गाड़ी से ही अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डिलीवरी के वक्त जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और उसके कोख में पल रहा बच्चा, दोनों की जान चली गई। परिजनों ने दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया और परिजनों का कहना है कि चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही की वजह से महिला और उसके बच्चे की जान गई है। उनका कहना है कि करणपुर क्षेत्र में किसी भी कंपनी का नेटवर्क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस का कॉल नहीं मिलता और राजस्थान की बजाय ये कॉल कई बार एमपी में लग जाता है, इसलिए कोई भी साधन नहीं मिला, जिसके बाद ट्रैक्टर से हम करणपुर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मिली जानकारी के मुताबिक 2 दिनों से बिजली नहीं होने की वजह से अस्पताल में रात भर से अंधेरा था। हालांकि अस्पताल में 5 लाख रुपए की लागत से जनरेटर लगा हुआ है, लेकिन ये काम में नहीं लिया गया।